इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब के कैप्शन ग्रुप के बारे में जानेंगे कि कैप्शन ग्रुप में कौन कौन सी कमांडें होती हैं। तो कैप्शन ग्रुप में हमारे पास इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंस, ये कमांडें हमारे पास कैप्शन ग्रुप में आएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैप्शन क्या होता है। ये तो कैप्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। तो पहले कैप्शन के बारे में जान लेते हैं कि कैप्शन होता क्या है। ये तो कभी कभी हमारे पास बुक में या मैगजीन आदि में बहुत ही ज़्यादा हेडिंग, टेबल, फिगर्स, इक्वेशंस वगैरह दी गई होती हैं, तो उनको जानने के लिए उनके नीचे इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम कैप्शन कहते हैं। तो कैप्शन ये करने के लिए हम यहाँ पे पहले क्या ये हेडिंग बनाते हैं। सपोज करो ये हेडिंग हमने बनाई है, और हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम होम पे जाएंगे, हेडिंग पे जाएंगे, ये हमारी एक हेडिंग हो गई। अब क्या करेंगे हम, सपोज करो ये हमारा है, ये दूसरी हेडिंग है, ये हेडिंग ये भी बनाई, और इसके बाद हम चले जाते हैं ये दूसरे पेज पे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, ये हमारी अगली हेडिंग होगी, ये हमने यहाँ पे हेडिंग बना ली। तो कैप्शन को समझने के लिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद शेप पे जाएंगे, शेप में जाने के बाद यहाँ पे कोई हम शेप इंसर्ट करते हैं। ये सपोज करो ये शेप हमने यहाँ पे ले ली, ये शेप यहाँ पे रखी है, ये रखने के बाद ये हम यहाँ पे एंटर मारेंगे, ये एंटर हमने प्रेस किया, प्रेस करने ये फर्स्ट यहाँ पे शेप आ गई है। अब सेकंड शेप यहाँ पे हम ये बनाते हैं, ये देखो सेकंड शेप यहाँ पे हमने बनाई है, यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट पे गए, यहाँ पे हमने सेकंड शेप को लिया, जैसे ये हमारी सेकंड शेप है, ये यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ये इंसर्ट करने के बाद दूसरे पेज पे आ जाते हैं, दूसरे पेज में हम यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये अपना कर्सर रखा है, इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, यहाँ से हम कोई दूसरी शेप यहाँ पे ले लेते हैं, ये ले ली। इसके बाद यहाँ भी थोड़ा स्पेस हमने छोड़ा, ये हमने कुछ यहाँ पे शेप्स ले ली। ये लेने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। ये देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये हम टेबल पे जाएंगे, ये सपोज करो हमने ये एक टेबल यहाँ पे बनाया। ये इसके बाद एक टेबल और बनाते हैं, ये अगले में जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल और क्रिएट किया, ये देखो जैसे इंसर्ट यहाँ पे हमने एक ये टेबल बनाया, ये टेबल एक ये बन गया। ये इसके बाद ये दो टेबल हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये इसके बाद आगे हम इक्वेशन लेते हैं, तो इक्वेशन को इंसर्ट करने के लिए ये हम इस पेज पे जाएंगे, तीसरे पेज पे, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये इक्वेशन इंसर्ट करनी है। ये इंसर्ट पे जाएंगे, इक्वेशन पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से कोई भी इक्वेशन ये हम ले लेंगे। देखो यहाँ पे इक्वेशन आ गई है, जैसे हमने यहाँ पे एंटर इसको, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये इसके बाद अगले पेज पे हम एक इक्वेशन और लेते हैं, ये यहाँ पे हमने स्पेस किया यहाँ पे, और एक इक्वेशन यहाँ पे हम और इंसर्ट करते हैं। ये इक्वेशन पे गए, यहाँ पे इक्वेशन पे अगली इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास दूसरी आ गई है।
अब क्या करेंगे हम? अपनी पहली शेप पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ये फर्स्ट शेप पे क्लिक किया, रेफरेंस टैब के ऊपर जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये फिगर है, ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे कैप्शन वन, ये जो हमारा ये वन है, ये फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये क्या ये लेवल पे ये फिगर है ये, तो यहाँ पे फिगर, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन का है, फिगर का है, हेडिंग का है, टेबल का है ये, तो हम इसको ये फिगर फिगर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये फिगर आ गया, ये जो फिगर है ये यहाँ पे एक जो है कहाँ पे आना चाहिए, बिलोस सिलेक्टेड आइटम, ये जो हमने ये सपोज करो ये जो है इसके नीचे नंबरिंग आनी चाहिए या इसके ऊपर आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो है नीचे इसके बिलो सिलेक्टेड आइटम यहाँ पे इसकी नंबरिंग आनी चाहिए। तो ये करने के बाद यहाँ पे देखो न्यू लेवल, नया लेवल अगर बनाना है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या नंबरिंग एक की जगह और हमने यहाँ पे कुछ शो करना है तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ से और भी मोर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ABC में चाहिए या रोमन में चाहिए, जिस भी यहाँ पे फॉर्मेट में चाहिए उसी फॉर्मेट में ये आ जाएगा, जैसे मुझे ये 1 2 3 इसमें चाहिए, ओके किया, और यहाँ से ओके किया, ये देखो हमारी ये जो शेप है ये 1 ये आ जाएगी, तो इसको हम सेंटर में करते हैं, ये देखो हमने इसको सेंटर में किया, ये 1 आ गया। इसी प्रकार दूसरी यहाँ पे जाएंगे हम, फिर इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, ये इसके बाद ये भी फिगर है, इसके बाद बिलो सिलेक्टेड आइटम इसके नीचे चाहिए, तो ये भी हमें ये जो सेकंड शेप है इसके नीचे ये नंबरिंग चाहिए, ये तो हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे यहाँ पे, ओके, ये देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये तो 2 आने के बाद इसको भी हमने सेंटर में किया, ये इसके बाद अगली है ये हमारे पास, तो इसको भी अब हम नंबर देंगे, तो इसके लिए हम इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे 3 जो है ऑटोमेटिक ही आ गया ये, तो फिगर अब ये देखो बिलो सिलेक्टेड आइटम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अबव सिलेक्टेड आइटम यहाँ पे कर देंगे और ओके करेंगे, तो ये देखो ये जो 3 है ये सेंटर में कर लेते हैं, ये जो थर्ड है ये ऊपर आ जाएगा, ये देखो इसके ऊपर आ जाएगा ये, तो ये हमारे शेप्स हो गई, ये इनको हमने नंबरिंग दे दी। इसके बाद है हमारे पास ये आगे जैसे हेडिंग है, ये हेडिंग यहाँ पे हमने सेलेक्ट की, ये सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे गए, इंसर्ट कैप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा ये आ गया, ये फिगर की जगह यहाँ पे हम हेडिंग करेंगे, ये हेडिंग 1, ये जो है हमारे पास क्या है, ये हेडिंग 1, और ये जो हेडिंग 1 है ये बिलो सिलेक्टेड आइटम इसके नीचे आनी चाहिए, तो नीचे अगर आनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिलीट लेवल करना है तो हम लेवल को डिलीट भी कर सकते हैं, ये या नंबरिंग चेंज करनी है यहाँ से हम नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं, ये तो इसी नंबरिंग में चाहिए हमें, ओके किया, ये देखो इसको ओके करने के बाद ये हेडिंग 1 हमारे पास ये आ जाएगा, ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करने के बाद सेंटर में करते हैं, ये देखो इसके सेंटर में ये जो हेडिंग है इसके नीचे आ जाएगी हेडिंग 1। अब क्या ये लिए करना है, तो सेकंड के लिए भी हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, ये देखो ये सिलेक्ट किया, और हम क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, हेडिंग 2, और ये बिलो ये भी चाहिए, बिलो में चाहिए, ये ओके किया, ये देखो इसके लिए हेडिंग 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके बाद अगर तीसरे के लिए भी हमने हेडिंग देना है, ये तो ये देखो ये तीसरा है हमारे पास, तो इसके लिए भी हेडिंग देनी है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हेडिंग 3 यहाँ पे आ जाएगा, और बिलो सिलेक्टेड आइटम, तो बिलो सिलेक्टेड लेवल पे हमने यहाँ पे हेडिंग ही रखा, ये
ये ऑप्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये हमारी हेडिंग है, तो हम यहाँ पे हेडिंग ही लेंगे ये। और ये जो है यहाँ पे अगर नंबरिंग चेंज करनी है तो नंबरिंग यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं ये, तो नंबरिंग हमें ये चाहिए, ओके। और फिर आपने ओके किया, ये देखो तीसरी हेडिंग के लिए ये हेडिंग 3 ये आ जाएगा। तो इसके लिए हेडिंग के लिए हमने यहाँ पे कैप्शन सेट कर दिया ये। इसके बाद आगे हमारे पास टेबल है ये, जैसे ये पहला टेबल हमारे पास ये है ये, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया ये। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। अब क्या करना है हमें, लेबल में टेबल सेलेक्ट करना है। ये देखो लेबल में जाने के बाद यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद टेबल के नीचे कैप्शन आना चाहिए, तो हम बिलो सेलेक्टेड आइटम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बिलो सेलेक्टेड आइटम, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखो ये जो टेबल है इसके नीचे आ गया ये टेबल 1। तो इस प्रकार हम टेबल को भी कैप्शन दे सकते हैं ये। अब सेकंड है हमारे पास टेबल, ये देखो ये टेबल है, यहाँ इसको भी सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे टेबल 2 आ जाएगा। टेबल 2 यहाँ पे बिलो सेलेक्टेड आइटम, या इसको टेबल 2 को हम जो नंबर है ये नंबर जो 2 दिया हुआ है ये क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। तो ये क्या यहाँ से ऑप्शन ये चेंज करते हैं ये अबव सेलेक्टेड आइटम। इसके बाद ओके किया, ये देखो टेबल 2 इसके ऊपर आ जाएगा ये। तो ये टेबल के लिए नंबरिंग सेट हो गई है। इसके बाद है हमारे पास ये इक्वेशन, तो इक्वेशन को भी हम ये कैप्शन देने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट कैप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे लेबल की जगह हमने क्या करना है, इक्वेशन ये सेलेक्ट करनी है। ये देखो इक्वेशन सेलेक्ट की, यहाँ पे इक्वेशन 1 अपने आप ही आ गया। ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 ये करना है, तो ये देखो यहाँ से नंबरिंग हम सपोज करो इसके लिए हम ए बी सी ये सेट करते हैं। ये ओके किया, तो इसको ओके किया। अब देखो इक्वेशन ए ये जो है इसके नीचे ये देखो ये आ गया ये इक्वेशन ए। तो इसके लिए अब सेकंड है, ये देखो हमारे पास सेकंड है इक्वेशन, इसको भी सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, और ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे इक्वेशन बी आ जाएगा। तो बी आने के बाद ये जो है ये ऊपर आना चाहिए कि नीचे आना चाहिए, तो पोजीशन हमने यहाँ पे क्या करनी है, ये बिलो सेलेक्टेड आइटम, इसको हम ऊपर कर देते हैं ये। तो ये देखो अबव सेलेक्टेड आइटम, इसके बाद ओके किया। ये देखो इक्वेशन, इसको हम सेंटर में करते हैं ये सेंटर में किया। तो ये जो है इक्वेशन ये जो है इक्वेशन बी है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कैप्शन दे सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेकंड कमांड है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है जैसे हम ऊपर सूची वगैरह बनाते हैं जैसे, तो ये हम सबसे ऊपर चले जाते हैं पेज के, ये फर्स्ट पेज पे आते हैं ये, और यहाँ पे इसको नीचे करते हैं ये। नीचे करने के बाद ये ऊपर आ जाते हैं ये आगे यहाँ पे कर्सर हमारा ऊपर यहाँ पे आ गया ये टॉप में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्या करना है हमें, ये देखो ये हमारे पास स्टाइल आ जाएंगे, किस स्टाइल में आना चाहिए ये, तो इस स्टाइल में आना चाहिए या किस में आना चाहिए, इक्वेशन है ये, तो इक्वेशन नहीं, यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम ये फिगर ये करते हैं ये। अगर ये नंबर शो पेज नंबर, ये पेज नंबर है जैसे 1, 3, 5 ये पेज नंबर शो होनी चाहिए या नहीं, अगर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक मार्क हटा देंगे। तो ये देखो यहाँ से नंबर चले जाएंगे, अगर हमें चाहिए तो हम क्लिक करेंगे ये नंबर वापस आ जाएंगे। अगर यही नंबर हमें यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे,
राइट अलाइन पेज नंबर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन हमें इस स्टाइल में चाहिए तो इसी स्टाइल में आएंगे। अगर ये जो डॉटेड लाइन है इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ऑप्शन ले लेंगे, ये देखो ये ऑप्शन लिया तो इसमें ये चेंज हो जाएगी, लेकिन हमने यही ऑप्शन इस ये रखा है इसका। इसके बाद फॉर्मेट, यहाँ भी मोर बटन पे अलग अलग फॉर्मेट आएंगे, जो भी हमें ठीक लगता है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। ये आगे हमारे पास पहले क्या आना चाहिए, ये किसकी सूची आनी चाहिए, फिगर्स, फिगर की आनी चाहिए। तो ये फिगर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, ये फिगर। इसके बाद अगर मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं ये। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये है हमारी जो फिगर है फर्स्ट वाली है, ये काम किस पेज पे आएगी, फर्स्ट पेज पे। ये देखो जैसे ये फिगर वन है, ये फर्स्ट पेज पे है। तो फिगर टू, ये देखो फिगर टू जो है ये हमारे, ये देखो नीचे स्टेटस बार में सेकंड पेज में है। तो ये हमने देखा जो फिगर टू है ये किस पेज पे है, ये सेकंड पेज पे। थर्ड है, ये फिगर कहाँ पे है, थर्ड पेज पे। तो तीसरी फिगर हमने चेक करनी है ये कि कहाँ पे है। तो ये देखो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बता रहा है शॉर्टकट कमांड कि हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल, ये कंट्रोल प्लस प्रेस किया। इसके बाद क्या किया हमने, क्लिक किया, ये देखो ये जो है हमारा तीसरा पेज आ जाएगा, ये जो तीसरी फिगर है यहाँ पे है। तो इस प्रकार हम लिंक में क्लिक करके उस फिगर के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिगर आ गई है। इसके बाद यहाँ पे कर्सर रखा है, ये फिगर के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इसके बाद क्या करना है हमने, यहाँ पे इक्वेशन की जगह हम, ये इक्वेशन आ गया, ये फिगर आ गया, अब क्या करना है, इक्वेशन, इक्वेशन। तो इक्वेशन हमने यहाँ पे सेलेक्ट की, तो इक्वेशन को सेलेक्ट करने के बाद हमने ये जो भी अगर चेंजिंग करनी है यहाँ पे तो कर सकते हैं ये, नहीं तो ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो इक्वेशन ए, इक्वेशन ए ये किस पेज के ऊपर है, फोर्थ पेज के ऊपर है। ये इक्वेशन बी ये फिफ्थ पेज के ऊपर है। ये देखो अगर हमने चेक करना है ये तो हम क्या करेंगे, ये कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस का बटन प्रेस करेंगे। ये देखो ये इक्वेशन जो है ए, ये हमारे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये कौन सा पेज है हमारा, फोर्थ पेज है ये। अब जैसे अगली इक्वेशन पे जाना है हमने, ये हम वापस जाएंगे, इक्वेशन बी कहाँ पे है, ये बता रहा है फिफ्थ पेज के ऊपर है। तो इसके लिए अगली इक्वेशन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये जो है इक्वेशन, ये पेज हमारा ये जो है ये देखो नीचे स्टेटस बार में ये फिफ्थ पेज है ये हमारा, उसमें है ये इक्वेशन बी। तो इस प्रकार हम हाइपरलिंक पे क्लिक करके किसी भी इक्वेशन के ऊपर जा सकते हैं। ये अगला जो है हमारे पास, ये यहाँ पे बनाएंगे हम ऐसे फिगर, यहाँ पे इक्वेशन, इसके बाद टेबल, टेबल को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, फिर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कैप्शन लेबल यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टेबल, ये टेबल सेलेक्ट कर लिया। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी है टेबल के लिए कौन सी लाइन, सपोज करो हम ये लाइन चूज़ कर लेते हैं, ये देखो ये ऐसी आई टेबल के लिए, तो हमने ये चूज़ की और ओके पे क्लिक किया। ये देखो टेबल के लिए ये लाइन आ जाएगी। तो हमारा टेबल फर्स्ट जो है तीसरे पेज के ऊपर है और टेबल सेकंड हमारा फोर्थ पेज के ऊपर है। तो फर्स्ट पेज के ऊपर अगर हमने जाना है तो हम क्या करेंगे, वैसे ही
हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे माउस का। ये देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया ये तो ये देखो अपने आप ही यहाँ पे टेबल वन के ऊपर हम चले जाएंगे। तो टेबल वन किस पेज के ऊपर बताया, ये बताया तीसरे पेज के ऊपर। ये देखो ये स्टेटस बार ये बता रही है कि अब ये हमारा जो टेबल है ये तीसरे पेज के ऊपर है। इस प्रकार अगला टेबल ये देखो फोर्थ पेज के ऊपर बता रहा है ये। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल और क्लिक करेंगे कि देखो हम ये फोर्थ पेज के ऊपर चले जाएंगे। ये देखो अपने आप ही कर्सर वहाँ पे पहुँच जाएगा टेबल टू। ये हमारा ये देखो स्टेटस बार में ये फोर्थ पेज के ऊपर है। तो फोर्थ पेज के ऊपर हम यहाँ पे चले जाएंगे। इसके बाद है अगली कमांड हमारी अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई शेप लेंगे। जैसे यहाँ पे ये यह हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक शेप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे शेप लेंगे। जैसे हमने ये शेप ली है, ये देखो। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये इसके ऊपर क्लिक किया, ये रेफरेंस टैब के ऊपर जाएंगे, ये इंसर्ट कैप्शन यहाँ पे जाएंगे। अब ये इंसर्ट कैप्शन यहाँ पे जैसे ये हमारे पास लेवल ये फिगर है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिक ही यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी। फोर्थ ये चार नंबर पे होगी ये जो हमारी फिगर है ये। ओके पे क्लिक किया, ये देखो ऊपर यहाँ पे फोर आ जाएगा। ये इसको हम आगे सेंटर में करते हैं, ये सेंटर में आ गया ये। तो ये करने के बाद अब क्या करना है हमने, ये जो है हमारे ये जो देखो ऊपर सूची देखो ये सूची, ये जो फिगर है इस टाइम हमारे पास तीन ही है ये। अब इस फिगर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल के ऊपर जाएंगे। ये देखो अपडेट टेबल इस टाइम जो है हमारे पास कितनी है, ये 1 2 3। अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें पूछेगा कि अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। तो हम सेकंड ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे फोर, ये 1 2 3 4 हो गई। ये जो हमारी शेप है ये फिगर है ये किस पेज के ऊपर है, ये फोर्थ पेज के ऊपर है ये। तो जो अभी हमने इंसर्ट की इसको अपडेट किया और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर हम ये यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं और इक्वेशन अपडेट करना चाहते हैं या टेबल, तो इस प्रकार हम इसको भी अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया अपडेट टेबल का हो गया ये। अब अगला है हमारे पास, अगर हम हेडिंग को भी इस सूची में ऐड करना चाहते हैं तो हम हेडिंग को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे कैप्शन लेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे। हेडिंग पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन ये चाहिए या ओ स्टाइल यहाँ पे चेंज करना है, ये स्टाइल पे चाहिए, तो हम ये चेंज करके ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री यहाँ पे आ जाएंगे। जो हेडिंग वन है ये हमारे पेज नंबर वन पे है, ये हेडिंग टू है ये पेज नंबर टू पे है, हेडिंग थ्री है ये पेज नंबर थ्री पे है। तो इस प्रकार हम फिगर इक्वेशन टेबल की तरह हेडिंग को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो हमारी हेडिंग जो है फर्स्ट पेज के ऊपर आई, तो ये हमारी हेडिंग है, ये हेडिंग वन, ये किस पेज के ऊपर है, फर्स्ट पेज। हेडिंग टू जो है हमारी, ये जो हेडिंग टू है ये हमारे सेकंड पेज के ऊपर है। तो हेडिंग थ्री है ये हमारे थर्ड पेज के ऊपर है।
सपोज करो हम क्या करने जाते हैं, हेडिंग थ्री के ऊपर जाने जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे माउस का। ये देखो क्लिक किया तो ये हम यहाँ पे, ये देखो ये हेडिंग थर्ड है ये, तो थर्ड ये हेडिंग तीसरी है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग थर्ड, तो ये तीसरे हेडिंग के ऊपर यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो ये हेडिंग भी हम अपनी सूची में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हेडिंग इसको भी अपडेट करना है, ये अपडेट टेबल यहाँ पे करना है, तो हम क्या करते हैं, ये देखो हमारे पास ये हेडिंग जो है कितनी है, ये तीन हेडिंग हमारे पास है, ये इसको भी अपडेट करना है और एक हेडिंग हम बना लेते हैं। ये देखो जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग बना ली, यहाँ पे ये क्लिक करते हैं, ये कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, ये यहाँ पे हमने क्या की है, एक हेडिंग ये बना ली। ये देखो होम पे गए, ये यहाँ पे हेडिंग बनाई है हमने, और यहाँ पे रेफरेंस टैब के ऊपर गए, इंसर्ट कैप्शन, और ये अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा ये। और ये जो लेवल है यहाँ पे हेडिंग हमने रखा, ये हेडिंग रखने के बाद ये जो बिलो सिलेक्टेड आइटम है इसके नीचे आनी चाहिए, ये जो कैप्शन है हमारा, ये ओके पे क्लिक किया, ये जो है हेडिंग फोर, ये जो हमने सेलेक्ट किया अभी ये हेडिंग फोर बन जाएगा। अब ये क्या है, ये अपडेट, ये अभी हमारे टेबल में हेडिंग फोर अपडेट नहीं है। ये देखो सूची में जाते हैं हम, ये हेडिंग हमारे पास एक दो तीन हेडिंग है यहाँ पे, जो अभी हमने हेडिंग ली वो यहाँ पे अपडेट नहीं है। तो इसको अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, अपडेट टेबल के ऊपर जाएंगे यहाँ पे। ये देखो इंटायर, ये अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल, यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखो हेडिंग फोर यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार हम हेडिंग को भी यहाँ पे अपनी सूची में ऐड कर सकते हैं। ये इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारा कर्सर नीचे आ गया। ये अब क्या है, अगला है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग हम अपने डॉक्यूमेंट में इक्वेशन, फिगर, टेबल, हेडिंग, फुट नोट्स, एंड नोट्स का रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। इसमें हम डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। ये तो हाइपरलिंक की सहायता से हम उस लिंक पर जिसे हमें खोलना है उस पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ये तो पहले क्या करेंगे हम, तो लेकिन हाइपरलिंक में हम एमएस वर्ड से बाहरी चीज़ों को भी हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, ये हम डॉक्यूमेंट के फिगर, टेबल, इक्वेशन, हेडिंग आदि को ही हम लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये हमारा ब्लैंक यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। ये देखो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास कितनी इक्वेशन हमने अपने डॉक्यूमेंट में ली थी, दो। तो ये देखो इक्वेशन, ये ए इक्वेशन बी, पहले इसको इक्वेशन ए इंसर्ट किया, इसके बाद इक्वेशन बी ये इंसर्ट किया, ये और इसको क्लोज कर दिया। ये इक्वेशन ए इक्वेशन बी ये आ गई हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे हम, एंटर, इसके बाद फिर क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे अगली जो है हमने क्या लिया हुआ, ये फिगर, तो ये हमारे पास ये फोर फिगर है ये। तो यहाँ पे पहली को इंसर्ट किया हमने, इसके बाद सेकंड को इंसर्ट किया, ये इसके बाद थर्ड को इंसर्ट किया, इसके बाद ये फोर्थ को इंसर्ट किया। ये इंसर्ट करने के बाद ये इंटायर कैप्शन यहाँ पे ऑप्शन है, जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये इसके बाद अगला है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस, फिगर, इसके बाद है ये टेबल। तो टेबल में हमने टेबल वन को इंसर्ट किया,
टेबल टू को इंसर्ट किया, तो ये हमने क्रॉस रेफरेंस में ये लिख दिया ये। तो इससे क्या होता है, अब क्या है, हम जैसे इक्वेशन ए के ऊपर जाना है तो हमें उस पेज के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ए के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ये देखो कीबोर्ड से, हम अपने कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे माउस का, ये देखो, और ये जो है इक्वेशन ए के ऊपर हम चलेंगे। तो हमने इक्वेशन ए लिंक के ऊपर क्लिक किया और हम जो है इक्वेशन ए के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब सेकंड हमारे पास फिगर, अगर हम ये फिगर फर्स्ट के ऊपर जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस का क्लिक बटन प्रेस करेंगे, ये देखो ये, और ये जो है हम फिगर वन के ऊपर चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये हम किसी भी हाइपरलिंक के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर क्लिक करके उस पेज के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला है ये, जैसे टेबल का है ये, सपोज करो हम टेबल टू के ऊपर जाना चाहते हैं ये, तो हम इस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो जैसे हम ये, वैसे ही हमने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और माउस का बटन ये क्लिक किया, ये देखो ये टेबल टू, ये टेबल टू के ऊपर हम यहाँ पे पहुँच गए। तो इस प्रकार क्रॉस रेफरेंस के जरिए हम किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं। बस हमने क्या करना है, वहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही हम उस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस के बारे में जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।